राम राम दोस्तों, नमस्कार सभी को। आज के वीडियो हम डिस्कस करने वाले हैं आपका जो लैब असिस्टेंट का पेपर हुआ था 29 जून को, उसके आंसर की बेसिकली जो क्वेश्चन थे 29 जून को, जो आपका पार्ट वन पेपर जो हुआ था जीके का पेपर, उसके आंसर्स के बारे में हम डिस्कस करने वाले इस वीडियो के अंदर। तो चलिए दोस्तों, आज का पेपर जो आंसर की है वो स्टार्ट करते हैं कि जो क्वेश्चन थे उनके क्या क्या आंसर है, तो इस वीडियो में हम उसी पर डिस्कस करने वाले हैं। इसी के साथ मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगा कि यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि जो भी नए नोटिफिकेशंस है एग्जाम के रिगार्डिंग, आंसर की, क्वेश्चन पेपर, इन सभी के रिगार्डिंग जो भी नए नोटिफिकेशन आते रहे उसके बारे में आपको इन्फॉर्मेशन मिलती रहे। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं लैब असिस्टेंट का पेपर जो कि 29 जून को हुआ था, पार्ट वन आपका जीके का। पहला क्वेश्चन है इसका कि वार्षिक कला प्रदर्शनी का आयोजन फरवरी 2022 में राजस्थान ललित कला अकादमी कॉम्प्लेक्स झालाना में किया गया था। मतलब क्वेश्चन में ये पूछा जा रहा है कि कौन सा ये जो हुआ था कला अकादमी का, वह कौन सा इसका संस्करण था, मतलब कौन से टाइम पे ये आयोजित किया गया, कौन सा वार्षिक कला प्रदर्शनी आयोजित, कितने नंबर की वार्षिक कला प्रदर्शनी, मतलब कौन सा इसका संस्करण हुआ था। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है आपका 62वीं वार्षिक कला प्रदर्शनी का आयोजन हुआ था फरवरी 2022 में, जो कि राजस्थान ललित कला अकादमी कॉम्प्लेक्स झालाना में किया गया था। तो करेक्ट आंसर इसमें सी ऑप्शन, 62वीं वार्षिक कला प्रदर्शनी हुई थी। कौन सी थी दोस्तों? 62वीं, 62वीं जो कला प्रदर्शनी थी वो इसके अंदर अभी 2022 फरवरी के अंदर हुई थी। इसका करेक्ट आंसर है 62वीं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों आपका, ISFR 2021 के अनुसार राजस्थान के किस जिले में सर्वाधिक वन आवरण है? राजस्थान के किस जिले के अंदर ज्यादा से, इन चारों जिलों में से किस में ज्यादा वन का आवरण है, वन किस जिले में ज्यादा है? तो सबसे दोस्तों सभी को पता है, इसमें कई सारे क्वेश्चंस आपने पढ़ा है, तो इसका जो सर्वाधिक वन आवरण है वो है आपका उदयपुर डिस्ट्रिक्ट। उदयपुर डिस्ट्रिक्ट में सबसे ज्यादा वन आवरण है और सबसे कम जो है वो आपके चूरू के अंदर है। तो सबसे ज्यादा जो वन क्षेत्र आदित्य वन क्षेत्र है वो है आपके उदयपुर जिले के अंदर। किसके अंदर है? उदयपुर जिले के अंदर। तो सबसे ज्यादा वन आवरण उदयपुर जिले के अंदर है। इसका जो राइट आंसर है वो होगा आपका उदयपुर जिला। क्या होगा दोस्तों? उदयपुर जिला। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गोडवार पर्यटक सर्किट के स्थलों को कवर करेगा। गोडवार पर्यटक सर्किट जो पहले आपके इसके अंदर जालोर, पाली, सिरोही तीन डिस्ट्रिक्ट को कवर किया था, और अभी इसके अंदर बाड़मेर को भी इंक्लूड कर लिया गया है। किसको इंक्लूड कर लिया गया है? बाड़मेर को भी इंक्लूड कर लिया गया है। तो बेसिकली जो गोडवार पर्यटक सर्किट है उसके अंदर आपके ये चारों जिले, जालोर, पाली, सिरोही और बाड़मेर, मतलब ये सभी चारों जिले आपके इसके अंदर कवर कर रहे हैं। तो गोडवार के अंदर जो पर्यटक सर्किट है उसके अंदर जो जिले कवर कर रहे हैं वो है जालोर, पाली, सिरोही और बाड़मेर, चारों जिले इसी के अंदर कवर कर रहे हैं दोस्तों आपके। इसका जो करेक्ट आंसर है वो होगा सभी, 1, 2, 3, 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 18वीं राष्ट्रीय स्काउट एवं गाइड जूबरी की मेजबानी राजस्थान के किस जिले द्वारा की जाएगी? तो 18वीं स्काइट जो गाइड जूबरी है वो राजस्थान के राजसमंद जिले से, किससे? राजसमंद जिले से की जाएगी। सॉरी, एक सेकेंड, राजसमंद से नहीं करके दोस्तों ये जो की जाएगी वो पाली से की जाएगी। कहाँ, कौन से जिले से की जाएगी? पाली जिले से। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा पाली। 18वीं जो राष्ट्रीय स्काउट एंड गाइड जम्बूरी है वो आपकी पाली जिले से शुभारंभ होगी। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा पाली जिला। क्या होगा? पाली जिला, राजस्थान के पाली जिला द्वारा की जाएगी। करेक्ट आंसर है पाली जिला। नेक्स्ट है आपका फोर्थ, फिफ्थ क्वेश्चन। फिफ्थ क्वेश्चन है आपका कि इन जनवरी 2022, जनवरी 2022 में त्रिदिवसीय योग महोत्सव की मेजबानी की थी। जनवरी 2022 में जो त्रिदिवसीय योग महोत्सव की मेजबानी जिस जिले ने की थी वो था राजसमंद। कौन सा था दोस्तों? राजसमंद। तो इसका जो आंसर है वो होगा राजसमंद, कि त्रिदिवसीय योग महोत्सव की मेजबानी राजसमंद जिले में ने की थी। राजसमंद जिला इसका करेक्ट आंसर होगा। नाउ द सिक्स्थ क्वेश्चन इज, इन फरवरी 2022, फरवरी 2022 में आरपीएससी के अध्यक्ष पद पर किसे नियुक्त किया गया? तो फरवरी 2022 में जो आरपीएससी के जो नए अध्यक्ष बने थे वो थे संजय कुमार छोत्री, जो कि आपके पुलिस कमिश्नर, पुलिस लाइन से थे, जो संजय कुमार छोत्री को नया आरपीएससी अध्यक्ष बनाया गया।
ये अभी ही फरवरी 2022 में नए आरपीएससी के अध्यक्ष बने हैं। तो संजय कुमार छोत्री इसका राइट आंसर है। राइट आंसर होगा कि आरपीएससी के जो अध्यक्ष है वो है संजय कुमार छोत्री। तो संजय कुमार छोत्री इज द प्रेसिडेंट ऑफ आरपीएससी, अपॉइंट द चेयरमैन ऑफ, सॉरी चेयरमैन ऑफ आरपीएससी, चेयरमैन अपॉइंट किया गया उनको। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्रीय नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय की ताजा रिपोर्ट के अनुसार कौन सा राज्य 10 गीगावाट 10 गीगावाट क्षमता के साथ सोलर हब के रूप में शीर्ष स्थान पर है। मतलब 10 गीगावाट जो कैपेसिटी है उसके साथ सोलर सब में सबसे ज्यादा इंडिया के अंदर हम देखते हैं, तो सोलर हब के रूप में जो सबसे ज्यादा विद्युत उत्पादन किया जा रहा है वो राजस्थान जिले में किया जा रहा है। किसमें किया जा रहा है, जो ऊर्जा का उत्पादन किया जा रहा है वो राजस्थान जिले में किया जा रहा है। तो राजस्थान सबसे टॉप इस पे है, सबसे हब में, जो राजस्थान में सोलर हब का बहुत बड़ा एक क्षेत्र बन रहा है राजस्थान, जहाँ पे सबसे ज्यादा जो विद्युत ऊर्जा जनरेट की जा रही है वो राजस्थान से की जा रही है सोलर से। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा राजस्थान की। केंद्रीय नवीकरण ऊर्जा मंत्रालय की ताजा रिपोर्ट के अनुसार 10 गीगावाट क्षमता का जो सोलर हब में जो सबसे ज्यादा शीर्ष स्थान है वो है राजस्थान का। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, राजस्थान इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल 2022 की मेजबानी की गई, राजस्थान इंटरनेशनल फिल्म 2022 की जो मेजबानी की गई थी वो जयपुर डिस्ट्रिक्ट द्वारा की गई थी। दोस्तों किसके द्वारा की गई थी, जयपुर डिस्ट्रिक्ट के द्वारा। तो यहाँ पे जो राइट आंसर है वो होगा आपका जयपुर डिस्ट्रिक्ट द्वारा। किसके द्वारा, जयपुर डिस्ट्रिक्ट के द्वारा इसकी मेजबानी की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान सरकार ने वर्तमान में वनस्पति उद्यान स्थापित करने की घोषणा की है। किन किन जिले के अंदर राजस्थान सरकार ने जो है वो आपके वनस्पति उद्यान स्थापित करने की घोषणा की है। तो बेसिकली जोधपुर और कोटा डिस्ट्रिक्ट के अंदर राजस्थान सरकार ने वनस्पति उद्यान स्थापित करने की घोषणा की है। तो इसमें जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका जोधपुर और कोटा। तो मतलब जो राइट आंसर है वो है केवल 2 और 3। क्या है, केवल 2 और 3 इज द राइट आंसर। मतलब ओनली 2 एंड 3 आर द जोधपुर और कोटा जो राज्य जिले हैं उनमें वनस्पति उद्यान स्थापित करने की घोषणा की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका दोस्तों, इंडिया जी बेस्ट अवार्ड 2021 के तहत, इंडिया बेस्ट अवार्ड 2021 के तहत निम्नलिखित में से किस राज्य को बेस्ट वेडिंग डेस्टिनेशन घोषित किया गया है। किस राज्य को बेस्ट वेडिंग डेस्टिनेशन का अवार्ड अभी मिला हुआ है। तो बेस्ट वेडिंग डेस्टिनेशन का अवार्ड जो है राजस्थान राज्य को मिला हुआ है, उसमें भी उदयपुर जिले को बेसिकली ज्यादा फोकस किया गया है बेस्ट वेडिंग के अकॉर्डिंग। तो राजस्थान को बेस्ट वेडिंग डेस्टिनेशन घोषित किया गया है। उसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा राजस्थान। क्या होगा, राजस्थान। क्या होगा दोस्तों, करेक्ट जो बेस्ट वेडिंग अवार्ड जिसे मिला है वो है राजस्थान। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हिम्मत्ता राम भांबू जो कि पद्म पुरस्कार प्राप्त कर चुके हैं ने किन क्षेत्र में कार्य कर रहे हैं। तो हिम्मतराम बाबू है जो बेसिकली आपके पर्यावरण के क्षेत्र में कार्य कर रहे हैं। उन्हें अभी ही पद्म पुरस्कार मिला था आपका 2021 का पद्म पुरस्कार, सॉरी 20 का जो पद्म पुरस्कार इन्हें मिला था पर्यावरण के क्षेत्र में काम कर रहे हैं। तो ये किस में काम कर रहे हैं, पर्यावरण के क्षेत्र में, हिम्मतराम बाबू आपके पर्यावरण के क्षेत्र में काम कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपको, किस जिले को एक्सीलेंस इन गवर्नमेंट प्रोसेस री इंजीनियरिंग फॉर डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन श्रेणी के अंतर्गत 24वां राष्ट्रीय ई गवर्नेंस पुरस्कार मिला है। तो जो राजस्थान का नागौर जिला है दोस्तों, राजस्थान का जो नागौर जिला है उसको 24वां राष्ट्रीय ई गवर्नेंस पुरस्कार मिला है। किसको मिला है, नागौर जिले को। किसको मिला है, नागौर जिले को 24वां राष्ट्रीय ई गवर्नेंस पुरस्कार मिला है। तो यहाँ पे जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका नागौर डिस्ट्रिक्ट। क्या होगा, नागौर डिस्ट्रिक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पर्यटन संबंधित गतिविधियों के संदर्भ में सासू माता का मंदिर सुर्खियों में था, तो सासू पोस्ट स्थित है। अब आपने देखा होगा कि सासू जैसे वैष्णो देवी की तरह ही सासू माता का मंदिर भी बनाया गया है और वहाँ पे सासू पोस्ट स्थापित की गई, जहाँ पे भी सेम ऐसे कि अभी बाघा बॉर्डर पे सेरेमनी होती है वैसे ही यहाँ पे सेरेमनी भी स्टार्ट की जा रही है। तो ये जो सासू पोस्ट है वह हमें पूछा जा रहा है कि किस जिले के अंदर है। तो ये जो सासू पोस्ट है वह है बीकानेर जिले के अंदर। किस जिले के अंदर है दोस्तों, बीकानेर जिले के अंदर। तो सासू पोस्ट जो है वो आपकी बीकानेर जिले के अंदर स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, 50वीं सीनियर पुरुष राष्ट्रीय हैंडबॉल प्रतियोगिता 2022 की मेजबानी की थी,
जो 50वीं सीनियर रूस राष्ट्रीय जो हुई थी आपकी ये हैंडबॉल प्रतियोगिता, उसकी मेजबानी जयपुर ने की थी दोस्तों। उसकी मेजबानी किसने की थी? जयपुर ने। तो यहाँ पे जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका जयपुर की जो 50वीं सीनियर रूस राष्ट्रीय हैंडबॉल प्रतियोगिता थी 2022 में जो संपन्न हुई थी, उसकी मेजबानी राजस्थान के जयपुर जिले ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फरवरी 2022 में छात्राओं को पुलिस तंत्र की कार्य प्रणाली से परिचित कराने के लिए मेरी पुलिस मेरी दोस्त अभियान चलाया गया। ये अभियान कहाँ से शुरू किया गया? ये अभियान आपके डूंगरपुर जिले से चलाया गया था, मेरी पुलिस मेरी दोस्त अभियान। इसके अंदर जो है कि आपकी पुलिस तंत्र की कार्य प्रणाली को समझाने के लिए छात्राओं को बताया गया था कि किस तरीके से पुलिस की कार्य प्रणाली है। तो ये जो सबसे पहले स्टार्ट हुआ था वो हुआ था आपके डूंगरपुर जिले से। किससे स्टार्ट हुआ था दोस्तों? डूंगरपुर जिले से स्टार्ट हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, फरवरी 2022 के अंदर, फरवरी 2022 में न्यायाधीश मुनीश्वर नाथ भंडारी को किस राज्य के हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया? तो फरवरी 2022 में न्यायाधीश मुनीश्वर नाथ भंडारी को मद्रास हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया। तो इसमें जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका मद्रास की, मद्रास स्टेट के मुख्य चीफ जस्टिस ऑफ मद्रास, मद्रास को उनको न्यायाधीश नियुक्त किया गया। तो बेसिकली मतलब चेन्नई जो है वो मद्रास में है। तो आपकी इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा मद्रास। वो क्या होगा? मद्रास के अंदर। तो मद्रास का उनको चीफ जस्टिस नियुक्त किया गया, अपॉइंट किया गया। कृष्णा नागर ने स्पेनिश पेरा टूर्नामेंट में 2022 में स्वर्ण पदक जीता था। तो कृष्णा नागर किससे संबंधित है? तो यहाँ पे ऑप्शन है बॉक्सिंग, बैडमिंटन, एथलीट और स्विमिंग। तो कृष्णा नागर ने, अभी आपने देखा था कि जो पैरा ओलंपिक में जो पदक मिले थे उसमें कृष्णा नागर को भी एक पदक मिला था, बेसिकली स्वर्ण पदक उन्हें मिला था। तो कृष्णा नागर जो थे वो एथलीट से, सॉरी बैडमिंटन से रिलेटेड थे। उन्होंने 2022 में स्वर्ण पदक जीता था, वो थे बैडमिंटन से। तो कृष्णा नागर किससे रिलेटेड है, किस खेल से रिलेटेड है? बैडमिंटन से। किससे रिलेटेड है? बैडमिंटन से। तो इसका जो करेक्ट आंसर है, उनको बैडमिंटन टूर्नामेंट में 2022 में स्वर्ण पदक जीता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बजट 2022 के अनुसार राजस्थान के किन जिलों में फाइटो सैनिटरी लैब की स्थापना की जाएगी? तो फाइटो सैनिटरी लैब है वो किन जिलों में आपकी स्थापित की जाएगी, ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो इसकी घोषणा अभी 2022 में की गई थी। और कोटा और जोधपुर, कोटा और जोधपुर ऐसे दो जिले हैं जिनके अंदर आपकी फाइटो सैनिटरी लैब की स्थापना की जाएगी। तो कोटा और जोधपुर के अंदर ये लैब स्थापित की जाएगी, आपकी फाइट्रो सैनिटरी लैब। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों आपका, राजस्थान के किस जिले में MSME तकनीकी पार्क स्थापित किया जाएगा? MSME तकनीकी पार्क राजस्थान के दौसा जिले में स्थापित किया जाएगा। किस जिले में स्थापित किया जाएगा दोस्तों? दौसा जिले में स्थापित किया जाएगा। इसका जो राइट आंसर है वो है दौसा डिस्ट्रिक्ट। इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, सॉरी मतलब दौसा डिस्ट्रिक्ट के लिए इसका आंसर होगा कि एमएसएमई तकनीकी पार्क राजस्थान के दौसा जिले में किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गौरी माहेश्वरी 2022 को 2022 में प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। तो गौरी माहेश्वरी कहाँ की थी? गौरी माहेश्वरी बेसिक जो अजमेर की थी, इन्होंने जो गौरी माहेश्वरी थी, केलरोग्राफी के लिए इनको राष्ट्रीय बाल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। ये अजमेर जिले की रहने वाली है। कहाँ की रहने वाली है? अजमेर जिले की। तो इसका जो राइट आंसर होगा कि जो गौरी माहेश्वरी थी वह किस जिले की रहने वाली है? तो गौरी माहेश्वरी बेसिकली आपकी अजमेर जिले से रिलेटेड है, अजमेर जिले की रहने वाली है। इसका राइट आंसर है अजमेर। क्या है? अजमेर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, उत्तर तलाई सिविल एयरपोर्ट स्थित है। उत्तर तलाई सिविल एयरपोर्ट जो है वो दोस्तों आपका बाड़मेर में स्थित है, जिसका अभी ही उद्घाटन हमारे जो रक्षा मंत्री है उन्होंने किया था, कि राजनाथ सिंह ने। ये उत्तर तलाई सिविल एयरपोर्ट जो है वो बाड़मेर में स्थापित है, बाड़मेर में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन 22, कॉन्स्टिट्यूशन क्लब ऑफ राजस्थान प्रोजेक्ट का शिलान्यास राजस्थान के मुख्यमंत्री द्वारा कहाँ किया गया? कॉन्स्टिट्यूशन क्लब ऑफ राजस्थान प्रोजेक्ट जो का शिलान्यास है वो राजस्थान के मुख्यमंत्री द्वारा जयपुर जिले में किया गया है। ये जयपुर जिले के विधानसभा है उसकी तरफ से एक जो एमएलए हैं उनके लिए कॉन्स्टिट्यूशन क्लब बनाया जा रहा है। तो
ये जो है एमएलए क्वार्टर्स में राजस्थान विधानसभा लालकोठी में बन रहा है, तो इसका जो उद्घाटन है वो मुख्यमंत्री ने जयपुर जिले में किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, हाल ही सोने के भंडारों की संभावना के लिए देवत तलाई गांव खबर में था ये स्थान स्थित है। तो सोने की भंडारों की में जो अभी स्थान देवत तलाई प्रसिद्ध हुआ है वह आपके भीलवाड़ा डिस्ट्रिक्ट के अंदर है। किस डिस्ट्रिक्ट में है दोस्तों? भीलवाड़ा डिस्ट्रिक्ट के अंदर है। किसमें है? भीलवाड़ा। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका भीलवाड़ा। क्या होगा? भीलवाड़ा। कि देव तलाई जो गांव है वो बेसिकली भीलवाड़ा में स्थित है। किसने राज किसान साथी पोर्टल के लिए ई गवर्नेंस राजस्थान पुरस्कार 2022 किया 2022 प्राप्त किया है? तो डॉक्टर ओम प्रकाश थे, डॉक्टर ओम प्रकाश हैं जिन्होंने राजस्थान किसान साथी पोर्टल के लिए ई गवर्नेंस पुरस्कार प्राप्त किया है। उन्होंने राजस्थान किसान साथी पोर्टल पे बहुत सारे ऐप का डिजाइन किया, उसमें उनकी बहुत ही एक इम्पोर्टेंट भूमिका रही हुई है। तो इस वजह से उनको राजस्थान किसान साथी पोर्टल के लिए ई गवर्नेंस का पुरस्कार दिया गया, डॉक्टर ओम प्रकाश को। किसको दिया गया? डॉक्टर ओम प्रकाश को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान के किस जिले में विश्व का तीसरा सबसे बड़ा स्टेडियम बनाया जाएगा या बनाया जा रहा है? तो राजस्थान के जयपुर डिस्ट्रिक्ट के चोमू के पास में विश्व का तीसरा सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम बन रहा है, चाप गांव चोमू के पास जो स्थित है। तो बेसिकली ये जो स्टेडियम बन रहा है वो जयपुर डिस्ट्रिक्ट में बन रहा है। इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा आपका जयपुर डिस्ट्रिक्ट। वो क्या होगा? आपका जयपुर डिस्ट्रिक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक पादप उत्पाद नहीं है? इसमें से कौन सा एक पादप उत्पाद नहीं है? तो आई जिंगलास जो है वो बेसिकली एक पादप उत्पाद नहीं है। इसके अंदर जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा आपका आई जिंगलास। क्या होगा? आई जिंगलास, वो एक पादप उत्पाद नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 27, मोबाइल की बैटरी में निम्नलिखित में से कौन सी धातु का प्रयोग प्रमुखता से किया जाता है? दोस्तों ये बहुत ही इजी क्वेश्चन है, आप मोबाइल की बैटरी बहुत समय खोलते भी होंगे, देखे भी होगी आपने। तो उसमें कौन सी धातु बेसिकली यूज की जाती है? तो बैटरी के अंदर जो धातु बेसिकली यूज की जाती है किसी भी बैटरी पे, आप मोबाइल की बैटरी पे, ड्राई बैटरी पे जो देखेंगे, तो लिथियम धातु, लिथियम धातु उसमें यूज की जाती है। हमेशा लिखा रहता है Li, लिखा रहता है उस बैटरी के ऊपर आप देखेंगे। तो मोबाइल के अंदर जो धातु बेसिकली यूज की जाती है वो है आपकी लिथियम। कौन सी है? लिथियम धातु। तो इसमें जो धातु यूज की जा रही है वो कौन सी है? लिथियम धातु का इसमें यूज किया जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, औद्योगिक क्रांति निम्नलिखित में से किस देश में सर्वप्रथम प्रारंभ हुई? सबसे पहले औद्योगिक क्रांति किस देश से स्टार्ट हुई थी? तो हम बात करें कि यदि औद्योगिक क्रांति जो सर्वप्रथम जो स्टार्ट हुई थी वो ग्रेट ब्रिटेन से स्टार्ट हुई थी। कहाँ से स्टार्ट हुई थी? ग्रेट ब्रिटेन से। तो सबसे पहले औद्योगिक क्रांति जो स्टार्ट की थी वो ग्रेट ब्रिटेन में स्टार्ट हुई थी। तो यहाँ पे जो राइट आंसर है वो होगा आपका ग्रेट ब्रिटेन। क्या होगा? ग्रेट ब्रिटेन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मिसाइल नोवेटर KS-172 है, जो मिसाइल नोवेटर है बेसिकली KS-172, वह सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल। कौन सी मिसाइल है? सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल। तो यहाँ पे जो राइट आंसर है वो है सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल। सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल है आपकी मिसाइल नोवेटर KS-172। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 30, उबर कप के खिलाड़ियों को सम्मानित किया जाता है, मतलब जो है कि उबर कप अवार्डेड टू द प्लेयर्स, उबर कप किन प्लेयर्स को सम्मानित किया जाता है? कौन सा गेम है जिनके खिलाड़ियों को उबर कप से सम्मानित किया जाता है? तो उबर कप जो है वो बेसिकली आपका बैडमिंटन खिलाड़ियों को सम्मानित किया जाता है, जो बैडमिंटन खेलते हैं उन खिलाड़ियों को उबर कप से सम्मानित किया जाता है। तो राइट आंसर होगा बैडमिंटन। राइट आंसर क्या होगा? बैडमिंटन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नांकित में से कौन सा पेरिस शांति सम्मेलन 1919 में उपस्थित नहीं था? इनमें से कौन सा जो पेरिस शांति सम्मेलन 1919 में हुआ उसमें कौन प्रेजेंट नहीं था, ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो इसका जो राइट आंसर है वो होगा फ्रेडरिक एबर्ट। फ्रेडरिक इबर्ट जो थे वो 1919 के पेरिस शांति सम्मेलन में क्या नहीं थे? उपस्थित नहीं थे। तो इसका जो राइट आंसर है वो आपका डी ऑप्शन। क्या है? डी ऑप्शन, फ्रेडरिक इबर्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र के चार्टर पर किस सम्मेलन में हस्ताक्षर किया गया? संयुक्त राष्ट्र के चार्टर पर किस सम्मेलन पर हस्ताक्षर किए गए हैं? तो
ये क्वेश्चन में पूछा गया है। तो आप दोस्तों इसके अंदर जो आंसर होगा आपका संयुक्त राष्ट्र के जो चार्टर पर जो सैन फ्रांसिस्को को सम्मेलन जब हुआ उसमें इससे हस्ताक्षर किए गए, तो संयुक्त राष्ट्र द चार्टर ऑफ यूनाइटेड नेशन वाज साइन विच कॉन्फ्रेंस, वो थी सैन फ्रांसिस्को कॉन्फ्रेंस। तो सैन फ्रांसिस्को कॉन्फ्रेंस में संयुक्त राष्ट्र चार्टर पर के सम्मेलन पे हस्ताक्षर किए गए। तो राइट आंसर है सैन फ्रांसिस्को। क्या राइट आंसर है? सैन फ्रांसिस्को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस सिख गुरु के द्वारा गुरुमुखी लिपि शुरू की गई? क्वेश्चन आपका कि किस सिख गुरु के द्वारा गुरुमुखी लिपि शुरू की गई? तो इसका जो राइट आंसर है वो है गुरु अंगद देव। कौन? गुरु अंगद देव के से गुरु अंगद देव ने सबसे पहले गुरुमुखी लिपि शुरू की, मतलब सिख गुरु के द्वारा जो गुरुमुखी लिपि शुरू की गई थी वह सिख गुरु गुरु अंगद देव थे। कौन थे? गुरु अंगद देव। तो ए जो से गुरु अंगद देव, इसका करेक्ट आंसर होगा। प्रोटॉन की खोज किसने की? तो प्रोटॉन की खोज जो सबसे पहले की थी वो थी रदरफोर्ड ने। आपने रदरफोर्ड ने का नेम पढ़ा होगा। तो प्रोटॉन की खोज बेसिकली अंड्रेस रदरफोर्ड ने की थी। किसने की थी? अंड्रेस रदरफोर्ड ने प्रोटॉन की खोज की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से किस यंत्र के द्वारा हवा में आर्द्रता का मापन किया जाता है? तो किस यंत्र से हम जो हवा के अंदर जो आर्द्रता होती है उसको मापते हैं, मतलब ह्यूमिडिटी को मेजर किया जाता है, जो आपकी एयर के अंदर कितनी ह्यूमिडिटी है वह किससे मेजर किया जाएगा, उस यंत्र को क्या बोलते हैं? उस यंत्र को बेसिकली बोला जाता है हाइग्रोमीटर। क्या बोला जाता है? उस इंस्ट्रूमेंटेशन को बोला जाता है हाइग्रोमीटर। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका हाइग्रोमीटर। क्या होगा दोस्तों? हाइग्रोमीटर बेसिकली वह यंत्र है, वो इंस्ट्रूमेंटेशन है जिसके द्वारा आर्द्रता को क्या किया जाता है, नापा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि निम्नलिखित में से कौन सा विश्व का सबसे बड़ा उष्ण कटिबंधीय वर्षा वन है? सबसे बड़ा विश्व का उष्ण कटिबंधीय वर्षा वन कौन सा है ये हमें बताना है। तो विश्व का सबसे बड़ा जो उष्ण कटिबंधीय वर्षा वन है वो बेसिकली अमेजन है। कौन सा दोस्तों? अमेजन है। इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका अमेजन। क्या होगा? अमेजन इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अंतरिक्ष में जाने वाली दुनिया की पहली महिला अंतरिक्ष यात्री कौन थी? जो अंतरिक्ष में गई जो सबसे पहले महिला जो अंतरिक्ष यात्री थी वह कौन सी थी? तो वेंटिनीना टेरेस्कोवा पहली महिला अंतरिक्ष यात्री थी जो अंतरिक्ष में गई। तो इसका जो राइट आंसर है वो होगा वेंटिनीना टेरेस्कोवा। वेंटिनीना टेरेस्कोवा पहली अंतरिक्ष महिला यात्री थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, वकल्ला बीच भारत के किस राज्य में स्थित है? जो वकल्ला बीच है वो भारत के बेसिकली आपके केरल राज्य में स्थित है, केरल स्टेट में स्थित है वकल्ला बीच। तो वकल्ला बीच जो दोस्तों वो है, उसका जो राइट आंसर है वो बीच जो है आपके केरल राज्य में स्थित है। किस राज्य में स्थित है? केरल राज्य में स्थित है। तो इसका जो राइट आंसर है वो होगा आपका केरल। 39 क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी समिति भारत में गरीबी के आकलन से संबंधित नहीं है? इनमें से हमें वो बताना है जो समिति भारत में गरीबी के आकलन नहीं कर पाती है, उससे संबंधित नहीं है। तो वह समिति है विजय केलकर समिति। कौन सी है? विजय केलकर समिति। तो भारत में गरीबी के आकलन से संबंधित नहीं है वो समिति है विजय केलकर समिति। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा विजय केलकर समिति। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फिलीपींस की मुद्रा क्या है? तो फिलीपींस की जो मुद्रा है वो बेसिकली पेसो है। कौन सी है दोस्तों? जैसे इंडिया की मुद्रा पैसे है तो फिलीपींस की मुद्रा बिल्कुल क्या है? पेसो है। इंडिया की मुद्रा पैसे है और फिलीपींस की मुद्रा पेसो है। एग्रीकल्चर शॉर्ट का संबंध निम्नलिखित किस खेल से है? तो एग्रीकल्चर जो शॉर्ट है वो बेसिकली आपका क्रिकेट से संबंधित है। किससे संबंधित है? क्रिकेट खेल से संबंधित है। इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका क्रिकेट। क्या होगा? क्रिकेट खेल से संबंधित है एग्रीकल्चर शॉर्ट का संबंध। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा संवैधानिक संशोधन अधिनियम माल व सेवा कर से संबंधित है? तो इसमें से जो संवैधानिक संशोधन अधिनियम जो माल और सेवा कर से संबंधित है वो है आपका 101 सेवा संशोधन अधिनियम। 101वां संशोधन अधिनियम ये 2016 बेसिकली माल व सेवा कर से संबंधित है। तो इसका जो राइट आंसर है
वो होगा एक तो एकवा संशोधन अधिनियम 2016। 2016 इसका राइट आंसर होगा। एवरी वोट काउंट किताब द्वारा लिखित है। एवरी वोट काउंट जो किताब है वह नवीन चावला द्वारा लिखित है। किसके द्वारा लिखित है? नवीन चावला। किसके द्वारा लिखित है? नवीन चावला के द्वारा लिखित जो बुक है वह है आपकी एवरी वोट काउंट। कौन सी है? एवरी वोट काउंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रसिद्ध चित्र लास्ट सफर किसके द्वारा बनाई गई। जो प्रसिद्ध चित्र है, जो लास्ट सफर है प्रसिद्ध चित्र, वो किसके द्वारा बनाई गई थी? वह बनाए गए लियोनार्डो विंसी। लियोनार्डो विंसी के द्वारा बनाई गई चित्र है आपकी जो कि लास्ट सफर के द्वारा बनाई गई। तो इसका जो आंसर है वो है लियोनार्डो विंसी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से जीव विज्ञान की कौन सी शाखा मतलब जूलॉजी डील करती है, स्टडी ऑफ बर्ड्स की कौन सी शाखा पक्षियों की स्टडी के बारे में संबंधित है। कौन सी पक्षियों के जो स्टडी करती है इसमें से उस शाखा को क्या कहा जाता है? तो बेसिकली इसके अंदर जो आंसर होगा वो होगा ऑर्निथोलॉजी। ऑर्निथोलॉजी बेसिकली एक स्टडी है अबाउट द स्टडी ऑफ बर्ड्स। बर्ड्स के बारे में स्टडी की जाती है। तो जूलॉजी की जो ब्रांच है ऑर्थनोलॉजी, वह पक्षियों से संबंधित स्टडी की जाती है उसके अंदर, इसको ऑर्निथोलॉजी कहा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, तमिल महाकाव्य मणिमेखलाई। तमिल महाकाव्य मणिमेखलाई के जो लेखक है वह कौन है? तमिल महाकाव्य के जो तो तमिल महाकाव्य मणिमेखलाई के जो लेखक हैं वह है सतनाथ। कौन है दोस्तों? सतनाथ। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका सतनाथ। कि तमिल महाकाव्य के जो लेखक है वो है सतनाथ। कौन से हैं? कौन है? सतनाथ के लेखक है। इसका जो राइट आंसर है वो है सतनाथ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी जल संधि भारत और श्रीलंका को पृथक करती है। भारत और श्रीलंका को पृथक करने वाली जल संधि का नाम क्या है? तो भारत और श्रीलंका को पृथक करने वाली जो जल संधि है उसको पाक संधि कहा गया है। उसका जो नाम है वो क्या है? पाक संधि। क्या है? पाक संधि दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हर वर्ष विश्व तंबाकू दिवस नो टेबुको डे जो सेलिब्रेशन किया जाता है, किस दिन को विश्व तंबाकू निषेध दिवस मनाया जाता है? तो इसका जो आंसर है वो होगा मई 31 को। 31 मई को आपका विश्व तंबाकू दिवस मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 31 मई को विश्व तंबाकू दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, लोकसभा में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजातियों के लिए कितनी सीटें आरक्षित है। 26 जनवरी 2023 जो हुआ था अभी 26 जनवरी 2019 के में, तो उसके अनुसार लोकसभा में जो अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति में कितने सीटें आरक्षित है ये हमें बताना है। तो बेसिकली 84 और जो 47 है उसका सही आंसर है। 84 जो सीटें हैं वो अनुसूचित जाति के लिए रिजर्व है, और 47 जो सीटें 47 जो सीटें हैं वो आपकी अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित है, मतलब तो उनके लिए रिजर्व है। तो उसका जो राइट आंसर होगा वो होगा 84 और 47। 84 और 47 जो सीट्स है वो ऑलरेडी रिजर्व है आपकी किस किस के लिए? अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए। तो इन दोनों के लिए जो रिजर्व सीटें हैं वो 84 और 47 है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का मुख्यालय कहाँ स्थित है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का जो मुख्यालय है वो बेसिकली वॉशिंगटन डीसी में स्थित है। कहाँ स्थित है? वॉशिंगटन डीसी के अंदर स्थित है। इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा वॉशिंगटन डीसी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हार्डी रानी की बावड़ी स्थित है। हार्डी रानी की जो बावड़ी है वो टोडा रायसिंह में स्थित है। कहाँ स्थित है दोस्तों? टोडा रायसिंह के अंदर। तो करेक्ट आंसर है वो होगा आपका ए, कि हार्डी रानी की जो बावड़ी है वो टोडा रायसिंह में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, जो केंद्रीय शुष्क बागवानी, केंद्रीय शुष्क बागवानी संस्थान कहाँ पर स्थित है। तो केंद्रीय शुष्क बागवानी संस्थान बेसिकली आपकी जो है बीकानेर में स्थित है। कहाँ स्थित है? बीकानेर के अंदर। 52 के अंदर क्या है? बीकानेर। बीकानेर जो है वहां पे केंद्रीय शुष्क बागवानी संस्थान स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान के किस क्षेत्र में सर्वाधिक मक्का उत्पादन होता है।
तो राजस्थान के मेवाड़ क्षेत्र के अंदर, किसके अंदर, मेवाड़, मेवाड़ मतलब आपका जो बूंदी, हाड़ौती, कोटा, उदयपुर जो है, उस क्षेत्र में सबसे ज्यादा मक्का का उत्पादन होता है। तो यहाँ पे जो राइट आंसर होगा वो होगा मेवाड़ क्षेत्र। कृषि अनुसंधान केंद्र बांसवाड़ा की ओर से विकसित संकुल जिसमें माही कंचन किस फसल से संबंधित है? तो माही कंचन जो बेसिकली मक्का फसल से संबंधित है, किससे संबंधित है दोस्तों, मक्का फसल से। तो यहाँ पे जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका मक्का। क्या होगा? मक्का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दूध उत्पादन हेतु गाय की प्रसिद्ध किस्म है? दूध उत्पादन हेतु जो गाय जो किस्म है वो है आपकी गीर और राठी। कौन से दोस्तों? गीर और राठी। इसका राइट आंसर होगा कि जो गीर और राठी है वह बेसिकली दूध उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। तो गीर और राठी, क्या आंसर होगा? गीर और राठी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, राजस्थान के थार मरुस्थल की परंपरागत जल संरक्षण तकनीकी है? राजस्थान के थार मरुस्थल की परंपरागत जल संग्रहण तकनीकी कहलाती है खंडीन कहलाती है। क्या कहलाती है? खंडीन कहलाती है। तो परंपरागत जल संग्रहण तकनीकी क्या कहलाती है? खंडीन कहलाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान के कौन कौन से जिले नर्मदा शहर परियोजना के अंतर्गत शामिल किए गए हैं? तो राजस्थान के जो जालौर और बाड़मेर जिले, कौन से जिले? जालौर और बाड़मेर जिले आपकी नर्मदा नहर परियोजना के अंतर्गत शामिल किए गए। इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा जालौर और बाड़मेर। क्या होगा? जालौर और बाड़मेर। सेई परियोजना का संबंध है, तो सेई परियोजना जो है वो बेसिकली जवाई बांध से संबंधित है। किससे संबंधित है? जवाई बांध से। तो सेई परियोजना का संबंध है वो है आपका जवाई बांध। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? मतलब कौन सा जो युग्म इसमें दिया हुआ है उसका इसके साथ राइट मैच नहीं कर रहा है, वह कौन सा है? तो पन्नालाल बारूपाल बीकानेर से लाबान जिले है नागौर, ये आपकी लिफ्ट नहर है। तो डॉक्टर करणी सिंह जो है वो आपके बेसिकली हनुमानगढ़ से लांबाविंत नहीं है, हनुमानगढ़ जिला डॉक्टर करणी सिंह लिफ्ट नहर से लांबाविंत नहीं है। तो ये इसका आंसर होगा, ये इससे सम्मिलित नहीं है। तो करेक्ट जो आंसर है वो आपका डी पार्ट, डॉक्टर सॉरी करणी सिंह हनुमानगढ़ जिला उससे संबंधित नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रोहिल थाने थाने किस खनिज से संबंधित है? रोहिली खाने जो है वो बेसिकली आपके जो यूरेनियम है उससे संबंधित है। किससे संबंधित है? यूरेनियम से, जिनकी खोज अभी ही की गई है। तो रोहिली खाने यूरेनियम से संबंधित है। राजस्थान राज्य का अक्षांशीय विस्तार है, राजस्थान राज्य का जो अक्षांशीय विस्तार है वो 23 डिग्री 3 मिनट उत्तर से 30 डिग्री 12 मिनट उत्तर की तरफ है। किधर की तरफ है? 23 डिग्री 3 मिनट उत्तर से लेके 23 डिग्री 12 मिनट उत्तर की तरफ है। उसका जो राइट आंसर होगा वो होगा 23 डिग्री 3 उत्तर से 30 डिग्री 12 उत्तर की ओर, इसका राइट आंसर होगा। राजस्थान के कौन से प्रदेश में एंटीसोल समूह की मृदा पाई जाती है? तो राजस्थान का जो पश्चिमी प्रदेश है, राजस्थान का जो पश्चिमी प्रदेश है उसके अंदर आपकी एंटीसोल मृदा पाई जाती है। जो सोइल है वो एंटीसोल सोइल जो है राजस्थान के जो पश्चिमी क्षेत्र है, वेस्ट राजस्थान है, उसमें पाई जाती है। तो वेस्टर्न राजस्थान के अंदर आपकी एंटीसोल सोइल पाई जाती है। नेक्स्ट है, गोडवार प्रदेश किस बेसिन को कहते हैं? तो गोडवार जो प्रदेश है वह बेसिकली लूनी बेसिन को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? लूनी बेसिन को कहा जाता है। इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका लूनी बेसिन। गोडवार प्रदेश किस बेसिन को कहा कहते हैं? लूनी बेसिन को गोडवार प्रदेश कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मरुस्थलीय क्षेत्र में मिट्टी के अपरदन को रोकने के लिए क्या किया जाना चाहिए? तो मरुस्थलीय क्षेत्र में जो मिट्टी का अपरदन रोके तो उसके लिए हमें क्या करना चाहिए, हमें क्या लगाना चाहिए, वृक्षों की पट्टी लगानी चाहिए, मतलब पेड़ लगाने चाहिए। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका क्या, कि आपको क्या लगाना चाहिए, वृक्षों की पट्टी लगानी चाहिए। तो इसका जो राइट आंसर है वो है वृक्षों की पट्टी लगाना। मरुस्थलीय क्षेत्र में मिट्टी अपरदन रोकने के लिए हमें क्या करना चाहिए, वृक्षों की पट्टी लगाना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, रामगढ़ बिरधारी अभयारण्य को किस स्वरूप में अधिसूचित किया गया है? तो रामगढ़ बिरधारी अभयारण्य को बेसिकली राष्ट्रीय उद्यान के संबंध में, राष्ट्रीय उद्यान के स्वरूप में अधिसूचित किया गया है। किसके रूप में अधिसूचित किया गया है?
राष्ट्रीय उद्यान के रूप में अधिसूचित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान के किस भाग में वालरा करती की जाती है? तो वालरा करती का मतलब है कि आपकी स्थानांतरण करती भी इसको कहा जाता है। तो वालरा करती जो स्थानांतरण करती है राजस्थान के पठारी प्रदेश में की जाती है, पठारी क्षेत्र में की जाती है, जो कि आपके किस में स्थित है, दक्षिणी भाग में स्थित है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका पठारी, मतलब सॉरी दक्षिणी भाग होगा, राजस्थान के दक्षिणी भाग में आपका वालरा करती की जाती है, जिसको स्थानांतरित खेती कहते हैं। वह वक्त जिससे कत्था निकाला जाता है, कौन से वक्त से कत्था निकाला जाता है, किस पेड़ से कत्था निकाला जाता है? तो जो खेर वृक्ष है, जो खेर पेड़ है, उससे क्या निकाला जाता है? कत्था निकाला जाता है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा खेर। क्या होगा? खेर। खेर के वृक्ष से आपका क्या निकाला जाता है? कत्था निकाला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान सरकार के वन विभाग द्वारा जारी जिला एवं कुंभकर के लिए त्रुटिपूर्ण युग्म को पहचानिए। हमें इसमें से जो त्रुटिपूर्ण जो जिसका जिला कुंभकर नहीं है वो हमें इसमें क्या करना है? बताना है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा अलवर और बाघ। तो अलवर का जो कुंभकर है वो बाघ नहीं है, तो इसका जो आंसर है वो है अलवर बाघ। तो यहाँ पे जो राइट आंसर आ रहा है वो अलवर बाघ आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कुंभलगढ़ एवं गोगुंदा के बीच विस्तृत पठार किस नाम से जाना जाता है? कुंभलगढ़ व गोगुंदा के बीच का जो पठार है उसको हम भोराट के नाम से जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं? भोराट के नाम से। किसके नाम से जाना जाता है दोस्तों? भोराट के नाम से उसको जाना जाता है। तो कुंभलगढ़ और गोगुंदा के बीच का जो पठार है उसे हम भोराट कहते हैं, भोराट के नाम से जाना जाता है उसको। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी श्रेणी प्रशासनिक दृष्टि से राजस्थान के वनों की श्रेणी नहीं है? मतलब इसमें से कौन सी ऐसी श्रेणी है जो राजस्थान के वनों की श्रेणी नहीं है, राजस्थान के वनों की प्रशासनिक श्रेणी नहीं है? तो यहाँ पे जो इसका जो करेक्ट आंसर है वो वर्गीकृत वन जो श्रेणी है वो राजस्थान के वनों की श्रेणी नहीं है। तो करेक्ट आंसर होगा वो होगा वर्गीकृत वन। कौन सा होगा? वर्गीकृत वन बेसिकली आपकी प्रशासनिक दृष्टि से राजस्थान की वनों की श्रेणी नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन सी नदी कामधेनु नदी के नाम से जानी जाती है? इनमें से कौन सी नदी कामधेनु नदी के नाम से जानी जाती है? तो दोस्तों जो कामधेनु नदी है राजस्थान की वो है आपकी चंबल, जिसे कामधेनु नदी के नाम से जाना जाता है। तो राजस्थान की जो चंबल नदी है वो बेसिकली कामधेनु नदी के नाम से जानी जाती है। किस नदी के नाम से जानी जाती है? कामधेनु नदी के नाम से जानी जाती है। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा चंबल नदी। क्या होगा? चंबल नदी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लाल व पीली मिट्टी वाला जिलों का युग्म है। बेसिकली हमें वो इसमें से वो युग्म फाइंड करना है, वो एक इस तरीके से आपको मैच करना है जो कि पेयर फाइंड आउट करना है। जो रेड और येलो सोइल है जहाँ पे लाल और पीली मिट्टी, मतलब किस जिले में लाल मिट्टी पाई जाती है, किस जिले में पीली मिट्टी पाई जाती है। तो बेसिकली जो लाल मिट्टी पाई जाती है वो सवाई माधोपुर में रहती है, और पीली मिट्टी जो है वो राजसमंद में पाई जाती है। वो जो ऑप्शंस दिए हैं उसके अकॉर्डिंग जो होगा इसके अंदर, लाल मिट्टी आपकी सवाई माधोपुर में है और पीली मिट्टी आपकी राजसमंद में है। तो सवाई माधोपुर और राजसमंद, सवाई माधोपुर और राजसमंद इसका सही आंसर होगा। लाल व पीली मिट्टी का जो जिला युग्म है वह सवाई माधोपुर और राजसमंद। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंदिरा गांधी फीडर राजस्थान की लंबाई है। इंदिरा गांधी फीडर के अंदर राजस्थान, इंदिरा गांधी जो नहर है उसकी राजस्थान में जो लंबाई है वह है 204 किलोमीटर। कितनी है दोस्तों? 204 किलोमीटर। इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका 204 किलोमीटर। क्या आंसर होगा? 204 किलोमीटर इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, शरणवाही नगर किस नगर को नगर का ऐतिहासिक नाम है? जो शरणवाही नगर है वो बेसिकली आपका जो सिरोही है, जो बेसिकली कौन सा है? सिरोही है, उस नगर का नाम है। तो शरणवाही नगर सिरोही नगर का नाम है। तो सिरोही को बहुत पहले जो उसका ऐतिहासिक नाम है, जो पुराना नाम है वह है शरणवाही। वह क्या है? शरणवाही। तो करेक्ट आंसर होगा इसका सिरोही। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान के निम्नलिखित जिलों को पूर्व से पश्चिम की ओर सही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। जो जिले दिए हुए हैं उनको हमें पूर्व से पश्चिम की तरफ व्यवस्थित करना है, मतलब सबसे पहले पूर्व में कौन सा जिला आएगा, फिर पूर्व से बढ़ते हुए पश्चिम की तरफ चलते हैं तो कौन कौन से जिले आएंगे। तो
तो जब भी आप राजस्थान का मैप देखेंगे तो पूर्व में जो इन जिलों में से जो दिया हुआ है, सबसे पहले आता है आपका बूंदी। सबसे पहले क्या आता है? बूंदी। बूंदी के बाद में आएगा आपका अजमेर, और अजमेर के बाद में आपका आता है पाली, और पाली के बाद में सबसे लास्ट में आता है बाड़मेर। सबसे लास्ट में क्या होता है? बाड़मेर। जो इसका जो करेक्ट आंसर होगा आपका, वह कौन सा होगा? सबसे पहले बूंदी, मतलब ए बी सी डी। तो जो आंसर होगा वो होगा बूंदी, अजमेर, पाली और बाड़मेर, मतलब ए बी सी डी ही करेक्ट फॉर्म होगी। राजस्थान के पूर्व से पश्चिम की ओर जो जिलों को हम अरेंज करेंगे तो ए बी सी डी फॉर्म में होंगे, मतलब बूंदी, अजमेर, पाली और बाड़मेर इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस मंदिर को खम्बों का अजायब घर कहा जाता है? तो जैन मंदिर रणकपुर है, उसको बेसिकली खम्बों का अजायब घर कहा जाता है, जहाँ खम्बे ही खम्बे हैं। तो जैन मंदिर रणकपुर को क्या कहा गया है? आपके खम्बों का अजायब घर कहा गया है। जैन मंदिर रणकपुर को खम्बों का अजायब घर कहा गया है। जैसलमेर का किला किस नाम से जाना जाता है? तो जैसलमेर का जो किला है वह बेसिकली सोनारगढ़ के नाम से जाना जाता है। किसके नाम से जाना जाता है? सोनारगढ़ के नाम से। तो जैसलमेर का जो किला है उसको स्वर्ण किला भी बोलते हैं अपन, और उसको सोनारगढ़ का किला भी कहा जाता है। तो जो जैसलमेर का किला है उसका दूसरा नाम है सोनारगढ़ का किला। पारंपरिक कलाकार मांगीलाल मिस्त्री किस क्षेत्र में प्रसिद्ध है? जो पारंपरिक कलाकार है मांगीलाल मिस्त्री, उसका क्षेत्र कौन सा है? तो वह कावड़ क्षेत्र में प्रसिद्ध है। आपका मांगीलाल मिस्त्री जो है वो किसमें प्रसिद्ध है? कावड़ क्षेत्र के अंदर। किसमें प्रसिद्ध है? कावड़ क्षेत्र के अंदर वो प्रसिद्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान के लोकप्रिय पर्यटन स्थल सहेलियों की बाड़ी का निर्माण किसने करवाया था? राजस्थान का जो लोकप्रिय पर्यटक स्थल है, जो उदयपुर में है सहेलियों की बाड़ी, उसका निर्माण महाराजा संग्राम सिंह ने किसने करवाया था? महाराजा संग्राम सिंह ने करवाया था। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा महाराजा संग्राम सिंह। क्या होगा? महाराजा संग्राम सिंह। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। मत्स्य संघ के प्रशासन को चलाने के लिए गठित मंत्रिमंडल में निम्न में से कौन शामिल नहीं था? तो मत्स्य संघ के प्रशासन को चलाने के लिए जो इनमें से शामिल नहीं था वो थे नरेश कुमार। कि जो नरेश कुमार थे वह बेसिकली आपके इस मंडल में शामिल नहीं थे। जो मत्स्य संघ का मंडल जो बनाया गया उसके अंदर, जो मत्स्य संघ के अंदर जो जिले थे आपके, ए भी आपका जो धौलपुर, भरतपुर और आपका अलवर एंड, तो मत्स्य संघ के अंदर जो जिले थे वह थे आपके अलवर और भरतपुर, धौलपुर, करौली। ये जो जिले थे इसके अंदर आपका जो संबंधित नहीं थे वो थे रमेश कुमार। कौन नहीं थे इसमें? रमेश कुमार इससे संबंधित नहीं थे, इस मंत्रिमंडल से संबंधित नहीं थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, उदयपुर की राजधानी, सॉरी, उदयपुर में राजस्थान महिला परिषद की संस्थापक कौन थी? तो जो उदयपुर था उसके अंदर महिला परिषद की संस्थापक थी शांति द्विवेदी। कौन थी? शांति द्विवेदी। तो शांति द्विवेदी मतलब शांता द्विवेदी, सॉरी, शांता त्रिवेदी उदयपुर में राजस्थान महिला परिषद की संस्थापक थी। तो शांता त्रिवेदी इसका राइट आंसर है। आपकी जो उदयपुर महिला परिषद की संस्थापक थी शांता त्रिवेदी। नेक्स्ट है, वीर विनोद का लेखक कौन था? तो वीर विनोद जो लिखा गया उसका जो लेखक थे वो कविराज श्यामल दास थे। कौन थे? कविराज श्यामल दास। तो इसका जो राइट आंसर है वो है कविराज श्यामल दास, वीर विनोद के लेखक थे। कविराज श्यामल दास किसके लेखक थे? वीर विनोद के। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गठियाला प्राकृत अभिलेख किस प्रख्यात शासक से संबंधित है? जो गठियाला प्राकृत अभिलेख है वह टीपू का जो प्रख्यात शासक था उससे संबंधित है। इसका जो सही आंसर होगा वो होगा टीपू का प्रख्यात शासक गठियाला प्राकृत अभिलेख से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पिछवाई किस चित्रकला शैली से संबंधित है? तो आपका जो पिछवाई है वो बेसिकली नाथद्वारा शैली, जिसके अंदर नाथद्वारा शैली के अंदर भगवान कृष्ण के चित्र बनाए गए थे, तो उस शैली से ये संबंधित है। तो पिछवाई जो शैली है वो नाथद्वारा शैली से संबंधित है। किससे संबंधित है दोस्तों? नाथद्वारा शैली से वो संबंधित है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऐतिहासिक दृष्टि से अहिरवाटी और किस नाम से भी जानी जाती है? ऐतिहासिक दृष्टि से जब हम अहिरवाटी की बात करते हैं तो ये राठी के नाम से जानी जाती है। किसके नाम से जानी जाती है? राठी के नाम से। किसके नाम से जानी जाती है? राठी के नाम से। तो करेक्ट आंसर है राठी। नेक्स्ट है, मोतीलाल तेजावत ने भीलों का आंदोलन कहाँ से शुरू किया था? तो जो मोतीलाल तेजावत थे उन्होंने जो भीलों का आंदोलन जो शुरू किया था वो झाड़ोल से किया था। कहाँ से किया था? झाड़ोल से किया था। तो मोतीलाल तेजावत ने झाड़ोल से भीलों का आंदोलन शुरू किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पथिक ने किस समाचार पत्र के माध्यम से बिजोलिया कृषक आंदोलन को विख्यात कर दिया? तो यहाँ पे जो पथिक थे मतलब आपका जो पथिक के विजयलाल पथिक थे उन्होंने किस समाचार पत्र के माध्यम से बिजोलिया आंदोलन को विख्यात कर दिया था? तो उनका समाचार पत्र था प्रताप। कौन सा था? प्रताप। तो प्रताप जो समाचार पत्र था उससे उन्होंने कृषक आंदोलन को क्या कर दिया था? विख्यात कर दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राव गंगा की मृत्यु के उपरांत 5 जून 1531 ईस्वी में मारवाड़ का शासक कौन बना? तो मारवाड़ का राव गंगा की मृत्यु होने के बाद में जो मारवाड़ का जो शासक बना था वो था आपका मालदेव। कौन था दोस्तों? मालदेव। तो यहाँ पे जो राव गंगा की मृत्यु के बाद में जो मारवाड़ का शासक बना वह मालदेव था। कौन था दोस्तों? मालदेव था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, डूंगरपुर राज्य में गुहिल राजवंश का स्थापक कौन था? तो जब डूंगरपुर राज्य की हम बात कर रहे हैं तो इसके अंदर जो गुहिल राजवंश था उसका जो संस्थापक था वह था आपका सामंत सिंह। कौन था? सामंत सिंह। तो सामंत सिंह बेसिकली गुहिल राजवंश का संस्थापक था। गुहिल राजवंश का जो संस्थापक था वो कौन था? सामंत सिंह। परमवीर चक्र से सम्मानित होने वाले प्रथम राजस्थानी कौन थे? तो परमवीर चक्र से जो सम्मानित होने वाले थे वो राजस्थान के पीरू सिंह थे। सर्वप्रथम जो परमवीर चक्र दिया गया वो पीरू सिंह को दिया गया। किसको दिया गया? पीरू सिंह को दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1857 में आउवा ठाकर 1857 में जो आउवा ठाकर थे आउवा ठाकर के विद्रोह के समय जोधपुर के महाराजा कौन था? तो आउवा ठाकर का जो विद्रोह हुआ था 1857 की जो क्रांति थी उसके अंदर जोधपुर के जो महाराजा थे वह कौन थे? तो जोधपुर के जो महाराजा थे उस समय तखत सिंह थे। कौन थे? तखत सिंह। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका तखत सिंह। कि तखत सिंह उस समय जोधपुर के महाराजा थे आउवा के 1857 की जो आउवा का विद्रोह हुआ था उस समय जोधपुर के महाराजा तखत सिंह थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, 300 ईस्वी पूर्व से 300 ईस्वी तक के काल में राजस्थान में चैत्य ग्रह कहाँ मिला? तो बेसिकली जो इसमें जो चैत्य ग्रह राजस्थान में मिला था वो बेराट में मिला था जिसको विराट नगर कहा गया बाद में, अभी जो विराट नगर कहते हैं। तो 300 ईस्वी पूर्व से 300 ईस्वी तक के काल में जो राजस्थान में जो चैत्य ग्रह मिला वो बेराट में मिला। कहाँ मिला? बेराट में मिला। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित संतों में से कौन सा मेवात क्षेत्र से संबंधित है? तो इसके अंदर जो आंसर होगा कि बेसिकली जो ये संत दिए हुए हैं उनमें से कौन सा मेवात क्षेत्र से संबंधित है? तो लाल दास जो है वह आपका मेवात क्षेत्र से संबंधित संत थे। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा आपका लाल दास। कौन सा होगा? लाल दास दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कांवड़िया पंथ के संस्थापक कौन थे? कांवड़िया पंथ के जो संस्थापक थे वो संत रामदेव थे। कौन थे? संत रामदेव। तो कांवड़िया पंथ के संस्थापक संत रामदेव जी थे। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका संत रामदेव। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूर्यमल मिशन की रचनाओं में राजस्थान की कौन सी बोली प्रयुक्त हुई है? सूर्यमल मिशन की जो कवि जो रचनाएं थी उसमें राजस्थान की हाड़ौती बोली, कौन सी बोली प्रयुक्त हुई है? हाड़ौती बोली। तो इसका जो राइट आंसर है वो होगा आपका हाड़ौती। क्या होगा? हाड़ौती बोली इसमें प्रयुक्त हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, राजस्थान का कौन सा मेला आदिवासियों का कुंभ कहलाता है? तो बहुत ही इजी क्वेश्चन है, आदिवासियों का जो कुंभ है वो बेणेश्वर मेला कहा जाता है। तो यहाँ पे आदिवासियों का कुंभ जो मेला है वो बेसिकली डूंगरपुर में भरता है ये,
राजस्थान का जो मेला है बेणेश्वर मेला, वो आदिवासियों का कुंभ कहलाता है। आदिवासियों का कुंभ कौन सा मेला कहलाता है? बेणेश्वर मेला। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, शेरशाह सूरी के आक्रमण के समय मारवाड़ का शासक कौन था? जो शेरशाह सूरी ने जब आक्रमण किया था तो उस समय जो मारवाड़ का जो शासक था वह था राव मालदेव। कौन था दोस्तों? राव मालदेव। तो इसका जो राइट आंसर है वो है राव मालदेव। राव मालदेव शेरशाह सूरी के आक्रमण के समय मारवाड़ का शासक था, तो राइट आंसर है राव मालदेव। बीकानेर के अनूप सिंह को औरंगजेब ने कौन सी उपाधि से सम्मानित किया था? तो बीकानेर के जो अनूप सिंह थे उसको औरंगजेब ने माही माराताओ कौन सी उपाधि से सम्मानित किया था? माही माराताओ जो आपकी उपाधि थी उससे उसको सम्मानित किया गया था। माही माराताओ सम्मान उपाधि से उसको सम्मानित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस नदी के तट पर गिलुंड सभ्यता स्थल स्थित है? कौन सी नदी है जिस पर आपकी जो गिलुंड सभ्यता है वह स्थित है? तो गिलुंड सभ्यता उदयपुर में पाई गई थी, और ये जो है बनास नदी। कौन सी? बनास नदी पर स्थित है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा बनास नदी। बनास नदी पर आपकी गिलुंड सभ्यता स्थल स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, गणेश्वर सभ्यता का उत्खनन किसके निर्देशन में हुआ था? तो गणेश्वर जो सभ्यता थी उसका उत्खनन, उसको जो उत्खनन किया गया, उसके बारे में जो जाना गया, उसको खोदा गया गणेश्वर सभ्यता को, वह आरती अग्रवाल, जो आरती अग्रवाल थे उनके निर्देशन में ये हुआ था। तो आरती अग्रवाल के निर्देशन में आपकी गणेश्वर सभ्यता का उत्खनन हुआ था। तो ये दोस्तों, ये थी आपके 100 क्वेश्चन के आंसर की, जो कि लेबर सिस्टम का पेपर जो 29 तारीख हुआ था उसके आंसर हमने आपको प्रोवाइड करवाए हैं। तो आप अपने जो क्वेश्चन करके आए उनके आंसर इस वीडियो से मैच कर सकते हैं और देख सकते हैं कि आपके कितने क्वेश्चन करेक्ट हुए हैं। तो इसी तरीके से और भी पेपर्स के हम आपके लिए आंसर शीट लाते रहेंगे दोस्तों। तो इसी वजह से मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। राम राम दोस्तों।